हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ हम लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज एक शॉर्ट वीडियो है स्टेबलाइजर पे, और ये 5 KV का स्टेबलाइजर है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमने टोरो डायल में इसको असेंबल किया है। ये 5 KV का है और सिंगल फेस का है। दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 3 रिले वर्किंग रिले यूज कर रखी है, 24 वोल्ट 25 एम्पीयर की बड़ी वाली, और एक हमने 24 वोल्ट 25 एम्पीयर की मिनी रिले यूज करके हाई कट के लिए। दोस्तों इसमें हमने टोटल 4 रिले यूज कर रखी है। और दोस्तों यहाँ पे जो हमने सर्किट यूज किया है, ये देखिए, ये साक्षी कंपनी का है। दोस्तों तो साक्षी कंपनी के जो स्टेबलाइजर सर्किट हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं, और इस सीजन पे हम जो सर्किट यूज कर रहे हैं वो हम साक्षी कंपनी और बालाजी कंपनी के दो कंपनियों के दोस्तों सर्किट यूज कर रहे हैं। और सर्किट जो इसका होता है बहुत ही बेहतरीन होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छी इसकी टेक्नोलॉजी है और बहुत ही बढ़िया वर्किंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज 5 KV का स्टेबलाइजर हमने असेंबल किया है और साक्षी किट हमने इसमें लिया है। तो साक्षी किट का जो भी परफॉर्मेंस है और इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों, उस पर हमने कई वीडियो बना चुके हैं, पर आज इसके हम परफॉर्मेंस पे वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों ये किस प्रकार काम करते हैं दोस्तों ये, और सभी फंक्शन इसके स्टेबलाइजर में देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमने वेरिएक में अपने 107 वोल्ट के करीब दे रखा, यानी 100 वोल्ट के करीब दे रखा है, और इसकी MCB ऑफ है। देखिए हमने इसकी MCB ऑफ ऑन की है। देखिए टाइमर चल रहा है हमारा, लगभग ये 10 सेकेंड के बाद ये ऑन हो जाएगा। और हमने यहाँ पे डबल मीटर लगा रखा है दोस्तों, डबल डिजिट वाला। यहाँ पे इनपुट आउटपुट शो होगा दोस्तों, अभी आउटपुट 0 आएगी क्योंकि अभी यहाँ पे आउटपुट कुछ भी नहीं है। और इनपुट देखिए दोस्तों, ये इसका टाइमर पूरा हो गया है, और ये देखिए LED वहाँ स्टॉप हो गई है। इनपुट दोस्तों अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 108 के करीब आ रहा है, और अभी आउटपुट भी शो होगी दोस्तों। देखिए ओपी दोस्तों, इसका हमारा आउटपुट, देखिए आउटपुट दोस्तों 219 आ रही है, बहुत ही सही आ रही है दोस्तों। और एक बार दोस्तों मैं इसको ऑफ करता हूँ, इसको ऑन किया दोस्तों, टाइमर हमारा चल गया है। अब दोस्तों ये स्विच हमने डिले लगा रखा है, अगर इसको हमें तुरंत स्टार्ट करना है इंस्टेंटली, तो हम इसको स्विच को प्रेस करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा ऑन हो जाएगा, LED हमारी टाइमर वाली ऑफ हो गई है। पावर दोस्तों LED हमारी ऑफ है, ये किस लिए ऑफ है ये भी आगे आपको पता चल जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारी 220 आ रही है, जो बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, और इनपुट भी दोस्तों 109 आ रही है। तो दोस्तों इसके सारे सेटिंग हमने कर रखी है, तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये सारे स्टेप्स के बहुत ही अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए इनपुट शो होगा, फिर आउटपुट शो होगा दोस्तों। एक बार दोस्तों इस पैनल पे आप नज़र डाल लीजिए, ये दोस्तों इनपुट वाला मीटर है, ये इनपुट मीटर है, और ये आउटपुट मीटर है दोस्तों ये। और दोस्तों देखिए इनपुट हमारी बढ़ रही थी, आउटपुट बढ़ रही दोस्तों ये। और दोस्तों देखिए अभी दोस्तों ये देखिए हमारा 315 हो गया है, और अभी दोस्तों हाई कट हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, ये लगभग दोस्तों ये 220 के वोल्टेज पे हाई कट हो गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पे रेड LED इंडिकेशन हो रही है दोस्तों, ये इसका प्लस पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको रेड LED इंडिकेट हो रही है, जब रेड LED इसमें इंडिकेशन होगा तब तक आपको कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। इससे इंडिकेट हो जाता है कि हाई वोल्टेज हमारे स्टेबलाइजर में आ रहे हैं दोस्तों। ये लो वोल्टेज में दोस्तों ये आपको ब्लिंकिंग करेगी, और हाई वोल्टेज में भी आपको ब्लिंक करेगी। तब तक दोस्तों यहाँ पर रेड लाइट रहेगा, तब तक हमारी आउटपुट ऑफ रहेगी, और देखिए आउटपुट अभी बिल्कुल 0 रहेगी हमारी दोस्तों। यहाँ 8 जो आ रहे, थोड़ा एरर है ये, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इनपुट दोस्तों देख सकते हैं आप, इनपुट दोस्तों यहाँ पर जो आ रही है 240 के करीब आ रही है। और दोस्तों जैसे हम इसके वेरिएक से वोल्टेज कम करेंगे, देखिए दोस्तों जब हमारी टाइमर LED हमारी ऑन हो जाएगी, और दोबारा ये देखिए दोस्तों हमारा हाई वोल्टेज से रिलीज हो गया है। और इनपुट दोस्तों देख सकते हैं कितने पे ये हमारा रिलीज हुआ है। एक बार दोस्तों थोड़ा इनपुट मैं बढ़ा के आपको दिखाता हूँ एक बार, दोस्तों लगभग ये 240 पे हाई कट हो रहा है ये हमारा। देखिए दोस्तों लगभग 330 पे हमारा हाई कट है ये, और जब इसके वोल्टेज तक कम कर देंगे लगभग, देखिए दोस्तों हमारा दोबारा ये हाई कट से रिलीज हो गया है और टाइमर पे आ गया है दोस्तों। देखिए टाइमर LED हमारा ऑन हो गई है, आप अगर इसी को स्विच को प्रेस करेंगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी दोस्तों। देखिए जैसे यहाँ पे आ गए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों सर्किट करता है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, अगर यही हाई कट अगर हम चाहें तो 320 सेट कर सकते हैं, 320 पे 350 पे, वो दोस्तों हमें अपनी इस सर्किट पर जो
AVR के लिए सेटिंग के लिए जो प्रीसेट दिया होता है, अगर जैसे कि हम इसकी जो आउटपुट है 260 से 270 वोल्ट पे सेट करते हैं तो यही हाई कट जो है हमारा लगभग 260 के करीब होगा जाके। अगर यही अगर हम आउटपुट अपनी 220 से 230 पे सेट करते हैं तो हमारा जो हाई कट है ये लगभग 300 से 310 तक ही हाई कट होगा दोस्तों। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सर्किट है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमने बना रखा है दोस्तों। आप भी इस तरीके का बना सकते हो दोस्तों, और जो भी इसके पार्ट चाहिए आपको हमारे पास सभी पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों मिलते हैं इस बार किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।